नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नई नई जानकारी लाता रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, कल काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट हुआ जिसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया, जिसमें काफ़ी बड़ी राहत पैकेजेज अनाउंस की गई और कई सेक्टरों को इसका लाभ मिलने को मिलेगा। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि कल किन किन सेक्टरों के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ और क्या क्या राहत पैकेजेस अनाउंस हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा कि आप देखिए कि कल अनाउंसमेंट हुआ जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट थी। आप देख लिए, निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी पैकेजेस अनाउंस हुई हैं। कई सेक्टरों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, कई सेक्टरों को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, कई सेक्टरों को बड़े से। आपको पता है कि हमेशा राहत पैकेज का मतलब वही होता है कि उन सेक्टरों को राहत दी जाती है जो कि काफ़ी बुरी स्थिति में चल रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में वो काफ़ी बुरी स्थिति में हो सकते हैं। तो बड़े और जो कि काफ़ी मतलब जिनके पास पैसा अधिक है उन्हें तो राहत की ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि वो खुद ही समझ जाते हैं। तो सेम वैसा ही हुआ है कि इसमें छोटे और मीडियम जो हमारी कंपनीज हैं, जो हमारे अनाउंस, जो हमारी इकोनॉमिक की ग्रोथ में अपना भागीदारी देती हैं, उनको राहत पैकेज दी गई है जिससे वो खुद को संभाल सकें और आने वाले टाइम में काफ़ी तेज अच्छा से इम्प्रूव कर पाएँ। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखा दे रहा है कि पहला जो हमारा अनाउंसमेंट था वो था TDS रेट रिवाइज्ड का। TDS में कुछ रेट रिवाइज किए गए हैं, उस चीज़ से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं लगभग 50,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू TDS और TCS रेट रिडक्शन, जिनके की रेट थोड़े कट हुए हैं, जिसमें काफ़ी राहत मिली हुई है। आप देख सकते हैं कि रेट जो रिडक्शन हुआ है वो लगभग 25% हुआ है। यानी कि पहले अगर आपका TDS या TCS जो कि 100 रुपीज़ था, अब वो लगभग 75 रुपये हो गया है, यानी 25 रुपये का फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। तो इसमें भी अच्छा खासा आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जिससे आप लोगों के जेब में कुछ लिक्विडिटी बची रहेगी जिससे आप आने वाले टाइम में और ज़्यादा खर्च कर सकते हैं और जिस हिसाब से इकोनॉमिक्स में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। हम इस शॉर्ट में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, उससे उसके बाद ये बात करेंगे किन शेयर्स को इसका फ़ायदा होगा, किन शेयर्स को इनका लाभ होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे रियल इस्टेट से रिलेटेड है। आपको पता है रियल इस्टेट भी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ भी रियल इस्टेट में भी काम करते हैं। तो दोस्तों, इनके लिए भी एक अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें इन्हें रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सेप्ट इन्हें थोड़ी छूट दी गई है, जिसमें 6 महीने के तक एक्सटेंड कर दिया गया है कि 6 महीने तक छूट दे दी गई है, जिससे ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी काम 6 महीने तक अपने इनका प्रोजेक्ट अपना ये 6 महीने तक छूट दी गई, जिससे इन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा तो राहत की पैकेज हुई नहीं, लेकिन 6 महीने हैं और हो सकता है कि इसे इन फ्यूचर और बढ़ाया जाए। तो ये भी एक अच्छी कदम मानी जा सकती है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कदम उठाया गया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो कॉन्ट्रैक्ट का भी सेम है, इन्हें भी लगभग 6 महीने के आसपास का रिलीफ दी एक्सटेंशन किया गया हुआ है, जिससे इन्हें भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ये भी इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा तो राहत नहीं मिला है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत राहत मिला है। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक सबसे ज़्यादा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो लिक्विडिटी पंच की बात है, जिस सबसे ज़्यादा राहत मिला है, जिसमें आप देख सकते हैं लगभग 30,000 करोड़ की पैकेज मिली, राहत पैकेज मिली हुई है, जिसका इफेक्ट NBFC और HFC एंड म्यूचुअल फंड इन सबको इसका फ़ायदा होगा। तो इसमें आज चलिए मैं आपको दिखा दे रहा। तो दोस्तों, ये मत सोचिए कि बड़ी बड़ी कंपनियों को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि राहत का काम उन्हें ही दिया जाता है जो छोटी कंपनियां होती हैं। बड़ी कंपनियों के पास तो ऑलरेडी इतने पैसे होते हैं कि वो खुद को संभाल सके आने वाले टाइम में, या फिर उन्हें अगर 2-4 महीने 6 महीने की ऐसी कोई लॉस होती है तो राहत पैकेज उन्हीं को दिया गया है जो खुद को नहीं संभाल सकते, और या फिर जिनका काफ़ी टाइम से बैलेंस शीट काफ़ी बुरी तरीके से गिर रहा था या फिर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था, तो उन्हें राहत पैकेज दिया गया है जिससे वो अपने आपको संभाल सकें और
अपने को फिर से मजबूत करके खड़ा कर सके। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि NBFC में लिक्विडिटी की बहुत कमी हो चल रही थी और काफ़ी तेज कमी के कारण ये काफ़ी सेक्टर काफ़ी तेज़ी से गिर रहा था या फिर काफ़ी तेज़ी से मार खा रहा था लिक्विडिटी के कारण। तो इसके लिए काफ़ी बड़ी राहत दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं लगभग 30,000 करोड़ रुपए लिक्विडिटी इसमें इंक्लूड की जा रही है जिससे ये खुद को संभाल सकें। और टोटल अगर बात की जाए तो टोटल मैं आपको दिखा दे रहा है लगभग 45,000 के आसपास का, आप देख लीजिए लगभग 45 करोड़ के आसपास का लिक्विडिटी मिल रहा है। तो ये एक इनके लिए काफ़ी बड़ी राहत की बात है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं और किस सेक्टर को क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम अदर किसी सेक्टर की बात करते हैं तो उसे भी देख लेते हैं कि और किसको क्या प्रॉब्लम फ़ायदा हो रहा है। देखिए दोस्तों ईपीएफ में भी काफ़ी अच्छी राहत दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं ईपीएफ में भी मैं आपको दिखा दे रहा कि क्या फ़ायदा दिया गया है, क्या राहत दिया गया है ईपीएफ से रिलेटेड। तो इस दोस्तों इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी काफ़ी अच्छी राहत दी गई है जिससे लोगों के हाथ में लिक्विडिटी बचे जिससे वो उसका यूज कर सकें। तो पहले दोस्तों ये था कि ये 20% कट रहा था ईपीएफ जो कि आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दे रहा कि गवर्नमेंट टू टेक पीएफ टू फॉर्म विद 100 स्टॉप, जिसके यहाँ 100 स्टॉप काम करते हैं उससे रिलेटेड था और जिनकी सैलरी 15,000 से कम है तो उनका जो कि उनका जो भी पीएफ बनता था उसमें आप देख लीजिए वो उसमें लगभग आप देख आपको पता होगा कि लगभग 12% के आसपास का पीएफ उनका कटता था जिसे कम कर 10% कर दिया गया है जिससे 2% का जो आप लोगों का बचेगा वो आप लोगों के पास रहेगा जिससे आप लोगों के पास लिक्विडिटी बनी रहेगी। लेकिन जैसा कि गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट करती थी 12% वो सेम रहेगा, यानी कि स्टाफ जो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा उसका 10% रहेगा लेकिन गवर्नमेंट का 12% रहेगा। तो इसमें भी आप लोगों को 2% का ये राहत दिया गया है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट और किसको क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी राहत पैकेज दिया गया है MSME को जो कि काफ़ी बड़ी राहत दी गई है। तो दो इसमें मैं आप लोगों को दिखा दे रहा कि पहले तो मैं ये बता दे रहा कि MSME होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा कि क्या होता है। तो MSME आप देख लीजिए कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, दोस्तों जितने भी छोटे और माइक्रो स्मॉल या फिर मीडियम रिलेटेड इंटरप्राइजेस होते हैं उनको MSME बोलते हैं और उन्हें ये इसका फ़ायदा मिलेगा। तो जिस हिसाब से पहले MSME का डिफिनेशन था दूसरा था, अब उसे थोड़ा चेंज करके थोड़ा करेक्ट कर दिया गया है। इसके अंतर्गत तो वो सारे इंटरप्राइजेज आएंगे जो 1 करोड़ के आसपास के आते हैं या 1 करोड़ के नीचे 1 करोड़ तक होते हैं उन्हें बोला जाएगा। और इसके अंतर्गत क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है सभी के पास कैश की काफ़ी कमी है, सभी के कैपिटलाइजेशन कम हो रहे हैं, तो उस हिसाब से पहले जो स्मॉल था वो माइक्रो में आ गया और जो मीडियम था वो स्मॉल में। तो इस हिसाब से काफ़ी इंटरप्राइजेस इसके अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं कि और किन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, कौन से स्टॉक इससे अफेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दे रहा दोस्तों कि कौन कौन से जो स्टॉक्स हैं वो इफ़ेक्ट करेंगे और कौन कौन से आज आप देख सकते हैं कि स्टॉक में काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये मैं आपको कुछ NBFCs दिखा दे रहा जिन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा इस पैकेज से। तो इसमें आप ये मत सोचिए कि आपको अगर इसमें राहत जो मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा बजाज फाइनेंस में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी ऑलरेडी कंपनी है तो इसको कोई ज़्यादा ख़ास फ़ायदा तो नहीं मिलने वाला है। हाँ न्यूज़ से ये शेयर भागता हुआ आपको दिख सकता है लेकिन कोई इस पैकेज से इसे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ लेकिन अगर वही हम बात की जाए L&T फाइनेंस की तो ये एक स्मॉल कैप है तो इसे फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। मनपूनम आप फाइनेंस को देख सकते हैं, इसमें फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे दोस्तों जो भी छोटी कंपनियां हैं उन्हें आप फ़ायदा को देखते हुए आपको मिलेगा क्योंकि छोटी कंपनियों को ही ये राहत पैकेज दी जा रही है। बड़ी कंपनियों में ऐसा कोई वो नहीं है कि उन्हें कोई मिलेगा कोई पैकेज। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं जो भी आपके छोटे स्मॉल फाइनेंस कंपनियाँ होंगी या फिर स्मॉल आपको NBFCs होंगी उन्हें फ़ायदा मिलेगा। उनमें आप देखेंगे उसके अंदर लिक्विडिटी जो कमी से वो झेल रहे थे उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसी हिसाब से एनर्जी में भी आप देख सकते हैं
कि एनर्जीज में जो जो भी कंपनियां थी, जो जो भी स्टॉक हैं वो भी ये दोस्तों पावर और एनर्जी के अंदर जो भी स्मॉल कंपनियां हैं उन्हें फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो उसमें से एक एग्जांपल में मैं आपको बता दे रहा, जैसे कि सुजलॉन एनर्जी है, आपको पता है हाल में ही इनका बोर्ड मीटिंग हुआ और उसमें अनाउंस हुआ कि जल्दी ये आपको डेब्ट फ्री कंपनी देखने को मिल सकती है। और कल के डेट में अनाउंसमेंट के बाद आप देखिए इसमें भी काफ़ी अच्छी लगभग 2.5-3% की बढ़त देखने को मिली थी। तो ये भी एक छोटी कंपनी है लेकिन ये भी इसे भी फ़ायदा मिलेगा। और ये जल्दी बोर्ड मीटिंग के दौरान इन्होंने फैसला किया कि इसे डेब्ट फ्री बनाना है, तो ये भी अपनी डेब्ट हटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इस हिसाब से ये काफ़ी, जैसे ही इनका डेब्ट हटेगा उसके बाद ये काफ़ी स्ट्रांग शेयर रहेगा और आपको अच्छे खासे रिटर्न के साथ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप अपनी नज़र ऐसी कंपनी में बनाए रहिए। इंफ्राटेक का शेयर्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि उसमें भी आपको कुछ फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही कंपनियों के बीच में आप अपनी नज़र बनाए रखिए। और जैसे ही आपको डीप मिलता है, जैसे ही आपको अच्छी आप प्राइजिंग पे मिलते हैं, तो ज़रूर आप उसे बाई करिए, क्योंकि इस राहत पैकेज का काफ़ी अच्छा इफेक्ट और काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा इन कंपनियों पे। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।